हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे एटम बॉम्ब कैसे बना सकते हैं। कुछ छोटा मोटा एटम बॉम्ब ने पूरी अर्थ को ब्लास्ट कर दिया, वो भी एक बारी में एटम बॉम्ब। ऐसा बताऊंगा आज मैं आपको एटम बॉम्ब कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना आंसर फाइंड करते हैं। जब आप कुछ लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है, पर वो एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं होती कि एटम बॉम्ब बना सके। पर एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की एक फेमस इक्वेशन E=mc² इसका मतलब है एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। और जो मास है वो एक मैटर है, मतलब एनर्जी जो है हम किसी भी मैटर और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो अगर हम किसी मैटर को बंद करेंगे तो उसमें से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो हम देखते हैं। अगर हम एक किलो बुक को बंद करते हैं, मतलब E=mc², तो m की जगह 1 किलो बुक रखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9×10^16 मीटर पर सेकेंड। इतनी है कि पूरी अर्थ को एक बार में ख़त्म कर सकें। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बंद करते हैं तो उसकी सारी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश में बदल जाती है। उसमें सिर्फ हमें 0.009% एनर्जी मिलती है। तो सारी एनर्जी को एक जगह करने के लिए हमें एंटी मैटर चाहिए होता है। तो अगर हम एंटी मैटर और एक किलो बुक को मिला दें तो 3×10^19 जूल एनर्जी पैदा होगी, तय जो पूरी अर्थ को ब्लास्ट कर सके। अगर आपको ये नहीं पता कि एंटी मैटर क्या होता है तो मेरी पहली वीडियो देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको एटम बॉम्ब बनाने के लिए सिर्फ एंटी मैटर और एक सही तरीके की जरूरत चाहिए। देखते रहिए अनकवरिंग फिजिक्स। हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसी जानकारी सबको मिलती रहे। और चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अनकवरिंग फिजिक्स। देखते रहिए।